हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, जिसका जो नाम है वो है माहौल की अबतरी। माहौल की अबतरी, ये हमारा मेन टॉपिक है कि ये क्या है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसके मतलब पहले एक्सप्लेनेशन बात करेंगे, यानी इसका तारुफ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसकी वजूहात पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके इकदामात पढ़ेंगे। यानी कि ये तीन चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये तीन चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माय नेम इज निशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा लवली सा ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब का मैं एंड पे कहूंगा, अगर आपको अच्छी लगी मतलब वीडियो अच्छी लगी तो कर लीजिएगा, कहने की भी जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही कर लेंगे। चलें जी, सबसे पहले क्या है माहौल की अबतरी, क्या है माहौल के बारे में हम डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं, अब बात करें अबतरी। असल में हमने पिछला एक टॉपिक पढ़ा था, इससे पिछला जो पढ़ा था वो था थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। तो मैं सिंपल से अगर आपको लिख दूं तो मैं लिखूंगा हरारत में, जो हरारत की वजह से आलूदगी होती है ना, हरारत की वजह से आलूदगी, ये सिंपल था। अगर हम बात करें थर्मल पोल्यूशन के बारे में, थर्मल हरारती आलूदगी, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन को उर्दू में क्या कहते हैं, हरारती आलूदगी, समझ आई। तो जी अब बात यह है कि माहौल की अबतरी से क्या मुराद है। पहले तो हमने देख लिया कि भाई हरारत ज्यादा हो जाए, हरारत में जो हरारत की आलूदगी है, ठीक है, माहौल हरारत की वजह से आलूदा हो रहा है, हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, हरारती आलूदगी या फिर थर्मल पोल्यूशन इंग्लिश में, समझ आई। अब माहौल की अबतरी क्या है, बेसिकली ये है कि माहौल, देखिए पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन क्या होगी, यानी कि अगर हरारती आलूदगी है तो दो चांसेस हैं, होगी तो जरूर, ठीक है। एक है कि वो ज्यादा हो, दूसरा है कि वो कम हो, समझ आई, कि हरारती आलूदगी ज्यादा हो कम हो। अगर तो हरारती आलूदगी कम है तो फिर भी जो माहौल के अज्जा हैं, जैसे कि पानी है, जंगल हैं या जंगलात हैं, ठीक है, ये इस पोल्यूशन को मतलब जो है वो मतवाजन, अपने माहौल को खुद ही मतवाजन कर लेते हैं, मतवाजन खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, खुद ही मतवाजन कर लेते हैं, खुद ही मतवाजन मतलब के उसका जो असर है उसको खुद ही जो है वो खत्म कर देते हैं, मतलब माहौल को साफ सुथरा खुद ही कर लेते हैं। कौन कौन, पानी, जंगलात वगैरह, ये वाली चीजें। अगर हमारी पोल्यूशन जो है वो ज्यादा है, अब क्या होगा, तो बेसिकली अगर ज्यादा है तो हम क्या इकदामात, हमें कुछ इकदामात करने पड़ेंगे, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखें अगर ज्यादा है, तो अगर एक हद है, ठीक है, अगर एक हद से ज्यादा पोल्यूशन हो जाए, हमने एक हद रख ली है कि भाई इसकी ये हद है, ठीक है, यहां तक, अगर तो यहां तक पोल्यूशन है तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई मतलब इस ठीक है, यानी कि इसको कर लेंगे। अगर एक हद से आगे चला गया, वो जो हमने हद मैयर की है, हमने बताई है, उससे आगे चला गया है, आगे चली गई है पोल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे फिर, ये क्या है, माहौल की अबतरी है, ये क्या है, माहौल की अबतरी है, समझ आई। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो यहां पर लिखते हैं, एक हद से ज्यादा थर्मल या हरारती आलूदगी का माहौल में शामिल होना माहौल
कि अबतरी कहलाता है। यानी कि एक हद से ज्यादा अगर आलूदगी शामिल हो जाए माहौल में तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, माहौल की अबतरी। समझ आई, कोई दिक्कत, कोई मसला यहां तक तो बड़ी यार सिंपल सी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी, तो दोनों के लिए इसको तैयार रखना है। शॉर्ट यहां तक, अकेले अकेले शॉर्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है भाई, मैंने हर वीडियो में मैं कहता हूं कि अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और दूसरों को तंग करना बंद कर दें और अपना लेक्चर खुद नोट करें, सही है, और रेस कर दें भाई। ओके चलें जी, ये हमारा हो गया। चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसकी वजूहात, वजूहात। तो इसके बहुत सी वजूहात हैं, जैसे हम थोड़ी सी लिखते हैं। फर्स्ट वजह ये है, एक वजह जो तो ये है कि जो हस्पतालों वगैरह में का फुजला, ठीक है, अस्पतालों वगैरह का फुजला, एक ये मेन हमारी रीजन है कि जो अस्पतालों का वेस्ट होता है ना, जो अस्पतालों का क्या होता है जी, वेस्ट, ठीक है, जो उनके कोई कारामद नहीं होता वो बाहर फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है, मतलब बाहर माहौल में इर्द गिर्द गलियों में फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से माहौल की अबतरी जो है वो प्रोड्यूस मतलब हो रही है, अबतरी मतलब कि जो आपका माहौल है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, एक रीज़न तो ये है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आलाइशें वगैरह जो सरिंजें हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें आपको पता ही है उसमें आ जाती हैं, एक तो रीज़न ये होगी। दूसरी जो रीज़न है आप उससे पढ़ेंगे आपको डिटेल में पता चल जाएगा, मैं जस्ट आपको हेडिंग और थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बस। अच्छा दूसरी है, ये लाजमी लिखें, गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल, के जो आपकी गाड़ियां हैं उसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। अगर हमने साथ वाली गली में भी जाना हो तो हम गाड़ी में चल जाते हैं, हम क्या करते हैं जी, गाड़ी में जाते हैं, हम गाड़ी में जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो है वो अपने माहौल को और साफ सुथरा कर सकें, हालांकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, सही है। जब गाड़ी चलेगी तो भाई इससे क्या होगा, इससे धुआं होगा, धुआं, और ये धुआं है इसमें हमने बात की थी कि सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, CO2 हो सकती है, COO हो सकती है, और भी जहरीली गैसेस हो सकती हैं ETC, ठीक है, जो कि माहौल को खराब कर रही हैं, जो कि आलूदगी का सबब हैं, आलूदगी का सबब हैं, ठीक है, आलूदगी का सबब हैं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी रीज़न ये है, जंगलात की कटाई, जंगलात की कटाई, ठीक है, जंगलात की कटाई। तो जंगलात की जो कटाई है, यानी कि ये कि हम जो है आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, आबादी में इजाफे की वजह से हमें लकड़ियाँ या बहुत सी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस वजह से हम जो है लोग जो क्या कर रहे हैं कि जंगलात को काट रहे हैं। जब जंगलात काटे जा रहे हैं इसका मतलब जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फसल ये कि भाई वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन हमारी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फर्स्ट रीज़न ये है कि ऑक्सीजन की
कमी हो रही है। दूसरी रीज़न ये भी है कि भाई जंगलात जो हैं वो बारिशों का सबब बनते हैं, लेकिन उसकी वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं, ठीक है, बारिशें भी बहुत कम हो रही हैं। तो जंगलात बहुत काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता जा रहा है, जो उसकी हमने हद रखी है वो उस हद से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि माहौल की अबतरी हुई जा रही है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई मसला, वजूहात? वजूहात आपकी बुक ने ये लिखी है, आपने ये दो भी डिस्कस साथ कर दी हैं ताकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके, क्लियर हो सके। नोट कर रहे हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे नोट कर रहे हैं? चले कर दें रेज, अब कर दें रेज। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये अबतरी हो गए, अब हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसके चंद इकदाम हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें कोई भी मसला ना हो। लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज अच्छे से हम कर सकेंगे, ठीक है। चलें जी, इसके हम करते हैं इकदाम। इकदाम फर्स्ट ये के जंगलात में इजाफा किया जाए, जंगलात लगाए जाएं, जंगलात जंगलात लगाए जाएं, ठीक है, जंगलात लगाए जाएं, जंगलात लगाए जाएं भाई। यानी कि भाई ये देखें कि अगर आप जो है वो पौधों को काट लेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से बनेगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। तो इसका काम यह है कि आप सब एक एक अगर पौधा लगाएंगे, सिर्फ एक एक पौधा लगाएंगे, मतलब तो देखो कितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे, तो बताएं एक पौधा लगाने से हमारा माहौल कितना बेहतर हो जाएगा। सिर्फ एक पौधा, हर स्टूडेंट एक पौधा लगाए तो कितना कुछ हो सकता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर हम जंगलात लगा लें, जंगलात मतलब ये है कि एक एक पौधा भी फर्ज करें एक स्टूडेंट लगाए, तो बहुत ज़्यादा जो है वो पौधे लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो माहौल में थोड़ी बेहतरी आ सकती है, थोड़ी बेहतरी आ सकती है। हमें जंगलात लगाने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी रीज़न ये है, ठीक है, दूसरी रीज़न ये है कि बेसिकली जो गाड़ियां हैं उनको कम इस्तेमाल में लाया जाए, जो आपकी गाड़ियां हैं, गाड़ियों को कम इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, कि जो आपकी गाड़ियां हैं उनको हम कम इस्तेमाल करें। यानी यार फर्ज करें आपने साथ वाली गली में जाना है तो आप पैदल चले जाओ, ठीक है, या फिर अगर आपने कहीं दूर जाना है तो ये हुकूमत को चाहिए, ये मैंने कहा जी हुकूमत को चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पता है किसी को भाई? वो जो मतलब आम ट्रांसपोर्ट चलती है जिसमें सब लोग बैठ के आगे पीछे जाते हैं, ठीक है, वो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर की जाए, यानी कि ये कि भाई वो अपने टाइम की पाबंद हो, वहाँ बैठने का इंतज़ाम अच्छा हो, पानी शानी का इंतज़ाम अच्छा हो, ठीक है, तो लोग जो है वो फिर अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के बजाय जो है वो हुकूमत की गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो आपकी गाड़ियाँ हैं उनको कम इस्तेमाल में लाया जाए, हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट अच्छी की जाए, ठीक है। तीसरी रीज़न ये है, अगर भाई आपकी गाड़ी है भी तो उसकी मरम्मत करवाएं ना फिर, अगर गाड़ी कोई गाड़ी है वो धुआं छोड़ रही है, धुआं छोड़ रही है, एक गाड़ी है वो क्या कर रही है जी, धुआं छोड़ रही है, ठीक है, धुआं छोड़ रही है, तो धुआं जो है वो आप इसको इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो आपकी गाड़ियां हैं उसकी फिटनेस वगैरह करवाएं, ठीक है, गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखा जाए। यानी कि ये कि जो आपकी गाड़ियां हैं, अगर आपकी गाड़ियां हैं तो वो भी गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो उसको, या कोई मतलब उसके मरम्मत होने वाली है तो उसको अच्छी से मरम्मत करवाएं, तो फिर आई होप जो आपके अच्छे इकदाम हैं उनमें आप भी शामिल हो जाएंगे, समझ आई। यानी कि ये कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो
जो है वो अच्छी हो, धुआं शुआं ना छोड़ रही हो, तो फिर आप जो है वो मतलब हम आलूदगी में जो है वो कमी कर सकते हैं, हम आलूदगी में कमी कर सकते हैं। समझ आई? इसको रेस कर दें आप, आगे पढ़ें, कर दें रेस। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है चैलेंज फोर्थ ये है कि जो आपकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, यानी कि कारखाने वगैरह हैं, फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, फैक्ट्रियां कारखाने, आपको पता है कि फैक्ट्रियां और कारखाने जो हैं ये कुल एनर्जी का, कुल एनर्जी का 20%, अंडरलाइन एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लें, कितने परसेंट, 20% इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 20% इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई? यहां पे कोई दिक्कत? कुल एनर्जी का 20% कारखाने फैक्ट्रियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये वाली जो चीजें हैं इसको मतलब समझ आई इसकी, कि जो कारखाने वगैरह हैं इनका भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए, मशीनों वगैरह का ये वो, ताकि शोर वगैरह ना हो। या आप पढ़ेंगे तो ये इसमें फैक्ट्रियों वगैरह का भी आ जाता है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है फैक्ट्रियों वगैरह में। समझ आ गई कोई दिक्कत? अच्छा जी, पांचवा पॉइंट आप देखेंगे तो पांचवें पॉइंट में लिखा ये है कि जो आप एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी आप जितने भी तरीकों से हासिल, आप हमने पीछे पढ़ा है ना एनर्जी को किन तरीकों से हासिल करते हैं, रवायती और गैर रवायती, ठीक है, रवायती और गैर रवायती, ठीक है। उसमें हमने ना आपने कोशिश करें कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी उसको इस्तेमाल ना करें, न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम इसके बजाय विंड एनर्जी बनाएं, विंड मतलब विंड एनर्जी प्रोड्यूस करें बनाएं, ठीक है, या फिर हम टाइडल जो है उस एनर्जी बनाएं, टाइडल, ठीक है, या फिर सोलर, तो इन एनर्जी को काम में लाएं हम, ठीक है। यानी कि ये जो है इन सब में क्या है, आलूदगी पैदा नहीं हो रही, आलूदगी पैदा नहीं हो रही, समझ आ गई। तो एनर्जी जो है ये हमें न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि हमें उन तरीकों से एनर्जी प्रोड्यूस करनी चाहिए जिनसे आलूदगी पैदा नहीं हो रही, आलूदगी पैदा नहीं हो रही। चलें जी, छठा पॉइंट ये है कि जो आबादी जो है, आबादी पर कंट्रोल, आपको पता है कि हर रोज आबादी में इजाफा हो जा रहा है, हर रोज आबादी में इजाफा हो जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि एक मिनट में 180 जो है अफराद दुनिया में पैदा हो रहे हैं, 180, ठीक है, अब इसकी शरह और भी तेज हो गई है। तो ये है कि आबादी में बहुत ज्यादा हो रहा है इजाफा, जब आबादी में इजाफा होगा तो डेफिनेटली जो एनर्जी है वो भी हमें ज्यादा चाहिए, जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें प्रोडक्शन भी फिर इसकी ज्यादा होगी। तो अगर हम आबादी को ही कंट्रोल कर लें तो हम एनर्जी जो है यानी कि उसका कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। मैं साइड पर इसलिए हूँ कि आप नोट कर रही हैं, आई होप, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और लास्ट हमारा ये है, ये तो आप सबके भाई हाथ में है, आप जरूर कीजिएगा, जो आपका कूड़ा करकट है, जो आपका कूड़ा करकट है उसको बाहर गलियों वगैरह में नहीं जलाना चाहिए, कूड़े करकट को क्या करना, गलियों वगैरह में नहीं जलाना चाहिए, यानी के कूड़े को नहीं जलाना चाहिए,
नहीं जलाना चाहिए, गली वगैरह में, खुले मैदान में नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? तो ये आपके थे इकदाम जो आपने किए करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिन्होंने कर रखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।